नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको 10 गोपनीय बातें बताई थी जो कि किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आप सभी ने कहा था कि इसी तरह की वीडियो आप लेकर आए। तो लीजिए, एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही खास है, और इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, यानी कि धन का अभाव नहीं होगा। ये सभी चीजें माता लक्ष्मी से संबंध रखती हैं और इन्हें आपको कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए डायरेक्टली। चाहे आप दान कर रहे हो, चाहे आप उपहार स्वरूप दे रहे हो, या फिर किसी को उधार दे रहे हो, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए स्वयं भी, और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी ये शिक्षा के रूप में देना चाहिए। दोस्तों, ये सभी बातें हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलती हैं, हमें अपने ऋषि मुनियों से सीखने को मिलती हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि हम सभी एकल फैमिली में रहते हैं, तो ये सभी चीजें हम नहीं सीख पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं। कोई नई चीजें हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। हमारी दादी नानी ये सभी चीजें हम लोग को सिखाया करती थी, और ये सभी चीजें हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं। दोस्तों, उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको एक पोस्ट दिया था कि आपको यदि अपना जन्मांक चेक कराना है, यानी कि कुंडली आपको दिखवानी है, तो आप हमारे चैनल पर ये सुविधा है, तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर भी हम आपको देंगे। तो उस व्हाट्सएप नंबर से आप बात कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी लेने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि किन किन लोगों को ये वस्तुएं आप दे भी सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीजें हैं दोस्तों, चावल। हमें कभी भी किसी के हाथ में इस तरह से डायरेक्ट चावल नहीं देना चाहिए। चावल तो पहली बात की माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आप भगवान शिव के ऊपर अक्षत के रूप में चावल को अर्पित करते हैं। हम जब भी किसी के माथे पर तिलक लगाते हैं, चाहे भगवान को या फिर आप अपने किसी प्रियजन को, तो अपने हाथों से उसके मस्तक पर आप चावल का टीका लगाते हैं। ये एक अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन दान स्वरूप चावल, जो हम दान इस तरह से सामने वाले के हाथ में देते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके हाथों की लक्ष्मी दूसरे के हाथों में चली जाती हैं और आपके घर धीरे धीरे धन का अभाव होने लगता है। दोस्तों, इसी कार्य से संबंधित एक रस्म भी होती है हमारे हिंदू रीति रिवाज में। यदि आपने ध्यान से देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ विवाह होता है, चाहे पुरुषों का विवाह हो या फिर स्त्रियों का, यानी कि कन्याओं का विवाह होता है, तो उसमें एक रस्म निभाई जाती है कि जब कन्याएं हमारे घर विदा होती हैं, तो सुबह सवेरे मंडप के नीचे एक कोदी भरने का कार्यक्रम होता है, जिसमें ज्यादा से मात्रा में चावल एक बांस की टोकरी में रखा जाता है, और जो स्त्री होती, यानी कि जो कन्या विवाह से अभी तुरंत आई रहती, उसे स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, और उसका हाथ लगा के, यानी वो अपने हाथ से इस तरह से 7 बारी 5 बारी अपने हाथों से टच करके उस चावल को उसके ससुराल भेजा जाता है। तो उसकी ये मान्यता होती है, उसकी शुभता, उसके हाथ की लक्ष्मी उसके जाने से पहले चावल के रूप में उसके ससुराल पहुंचती हैं। और दूसरी एक रस्म होती है कि जब हमारे घर से लड़की विदा होने लगती है, तो विदाई के कुछ एक मिनट पहले लड़की के गोदी में चावल देते हैं, और फिर उस चावल को लड़कियां, कन्याएं अपने घर के आगे आती रहती हैं और पीछे इस तरह से छिड़कती रहती हैं, और उनके पीछे उनकी माँ या फिर बड़ी भाभी कोई भी इस तरह से अपने आंचल को पसार के खड़ी रहती हैं, और उस चावल को उस आंचल में लेती हैं, क्योंकि वह चावल नहीं होता है, वो एक प्रकार से उनका आशीर्वाद होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और उसे सहेज कर अपने घर में, अपने रसोई में उसे रखा जाता है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी रस्में हमारे रीति रिवाजों में शामिल हैं कि हमारे घर लक्ष्मी सदा के लिए बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, ये चीजें हमें आपको बताने का तात्पर्य था कि आप समझें कि ये कितनी अहम चीजें हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी इन चीजों को, यानी कि ये चावल को आपको कभी दान स्वरूप इस तरह से डायरेक्टली आपको हाथ में नहीं देना चाहिए। तो चलिए, आगे और क्या चीजें हैं वो भी हम जानते हैं। इसी प्रकार से आपको दही,
कभी भी संध्या के यानी कि सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दही नहीं देना चाहिए। कोई भी जैसे कभी आस पड़ोस के लोग मांगने भी आ जाते हैं या फिर आप दही कहीं से परचेज करके भी लाते हैं तो नहीं लाना चाहिए। आपको दिन रहते सूरज रहते ही आप दही अपने घर ला के रख लें या फिर आपको किसी को देना है तो आप दे भी सकते हैं। दही भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही वीक होता है, हम लाल किताब के अनुसार देखें तो उसमें ये भी बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद हमें दूध से बनी कोई भी वस्तुएं सेवन नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो या फिर घी हो। यानी दूध से बनी कोई भी चीजों का सेवन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, लाल किताब का ऐसा मानना है। तो इसी दृष्टि से आप देखें तो भी समझे कि दही भी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और दही हमें किसी को दान में नहीं देना चाहिए। अगली बात आती है दोस्तों सुई धागा। सुई धागा भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जिस व्यक्ति को आप सुई धागा देते हैं उससे आपके संबंध खराब होते हैं, उससे मनमुटाव होता है, एक प्रकार से मोटी भाषा में आप समझे तो लड़ाई झगड़ा बनना मतलब हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको हाथों में किसी को सुई धागा नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि जब आपकी बेटियों की शादी होती है, अभी तो फैशन में लोग सिलाई मशीन देते हैं लेकिन सिलाई मशीन के साथ में उसमें सुई नहीं दी जाती है। सुई को आप अपने पास रख लेते हैं और बेटियां अपने घर बाद में सुई अपने पैसे से खरीदती हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातें जो अहम रखती हैं हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसे अपनाना भी चाहिए। तो इसलिए सुई धागा भी आपको किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के हाथ में इस तरह से रख के देना चाहिए। अगली बातें आती हैं दोस्तों अग्नि, जिसे अभी तो अग्नि का बहुत कम हो गया, पहले तो चूल्हे पर खाना बनाया जाता था तो गली मोहल्ले यानी परिवार के लोग एक दूसरे से मांग भी लेते थे कि हमें आग दे दीजिए और अपने घर में हम उसे जला के अपने घर का खाना पकाएंगे। तो अभी ये रिवाज खत्म हो गया लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जला हुआ दीपक उधार में दे देते हैं या जलता हुआ दीपक आप अपने पुराने घर से नए घर में भी ले जाने की प्रथा है कि जैसे किसी को अपने घर में शिफ्ट करना है तो लोग दीपक जलाकर अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं कि हमारे पुराने घर से लक्ष्मी हमारे साथ ही चलेंगी, यही ना छूट जाए। तो इसलिए कभी भी अग्नि आपको नहीं देनी चाहिए। ये कार्य आजकल ज्यादातर क्या होता है कि जब हम सामूहिक यज्ञ करते हैं, हवन कुंड बनाते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि यज्ञ प्रज्वलित नहीं होता है और हम अपने हवन कुंड का अग्नि और दूसरे में डालकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं। जैसे गायत्री माता वगैरह में अगर आप तो ध्यान इंटरेस्ट रखते हो वहां पे ऐसी ऐसी कभी कभी भूल हो जाती है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अगली चीज आती है दोस्तों मिर्ची, जो तीखी मिर्ची होती है हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, तो इसे भी कभी आपको किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, चाहे लाल मिर्ची हो या फिर तीखी मिर्ची हो। इसे भी देने से जिस व्यक्ति को आप देंगे उससे आपका झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, कलह क्लेश बढ़ने का चांस रहता है, तो ये भी आपको कभी भी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आगे बात एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे रसोई से ही संबंध रखती है, नमक। नमक लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे बहुत ही रेयर आपको जो है किसी के हाथ में देना चाहिए। यदि जैसे आपने देखा हो कि पहले के जमाने में जब भी आप इस तरह से नमक वगैरह देते तो हाथ में लोग मीठा रख देते थे, पहले मीठा रख दें उसके बाद ये नमक रखते थे, तभी उस चीज को आपको दान में रखना। जब हम सभी चीजें दान में देते हैं, सूखी चीजें जिसे सीधा बोला जाता है, तो उसमें नमक रखते हैं लेकिन उसके साथ और भी चीजें रहती है तो उसका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ये भी चीज आपको डायरेक्टली कभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरी और महत्वपूर्ण चीज दोस्तों झाड़ू की बात, जो कि हर घर में होती है। जैसे कि हम दीपावली पर नई झाड़ू लेकर आते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो कभी भी आप जो झाड़ू अपने इस्तेमाल कर रहे हो उसे कभी किसी को देना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपकी घर की लक्ष्मी उसके हाथ में चली जाती है। या फिर झाड़ू बहुत जल्दी दान भी नहीं किया जाता है, बहुत ही रेयर आपको विशेष संकट हो तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले आप एक नई झाड़ू, पुरानी नहीं नई झाड़ू आपको मंदिर में रख के आना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और
आप जो भी कामना के लिए ये कार्य करते हैं वह सिद्ध होता है, ये एक प्रकार का टोटका माना जाता है। तो उसमें भी आपको नई झाड़ू रख के आनी होती, किसी के हाथ में नहीं देनी होती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि आप इनमें से कुछ चीजें जो मैंने लक्ष्मी स्वरूप बताई हैं, इन्हें आप किसे दे सकते हैं। तो जिससे आपका खून का रिश्ता है, करीबी रिश्ता है, उन्हें आप दे सकते हैं। जैसे कि पहला स्थान आता है माता पिता, जो आपके माता पिता हैं, आप इनके हाथों में ये सभी चीजें दे सकते हैं, इनमें कोई आपत्ति नहीं होती है। इसके बाद आती है आपका पुत्र या फिर पुत्र वधु, वो भी हमारे घर के लक्ष्मी होती है पुत्र वधुएं, और जो हमारे पुत्र होते हैं वो कुल वंश के कारक होते हैं, उनसे हमारे वंशज आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आप उनके हाथों में भी ये चीजें दे सकते हैं। हम अपने गुरु को भी ये चीजें समर्पित कर सकते हैं, हम अपने इष्ट को ये चीजें समर्पित कर सकते हैं, और हम अपने ईश्वर को भी ये सभी चीजें समर्पण कर सकते हैं, भक्ति भावना के दृष्टि से हो या फिर आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं, उन्हें देने में कोई बुराई नहीं है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखें और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके लिए और भी वीडियो इस तरह के लाते रहेंगे। थैंक यू।